पानसूर विधानसभा के मौठूका चूला गांव पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष शशिकांत महारानी संकल्प यात्रा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। शिक्षा के लिए प्राप्त होते हैं जिनके पिता नहीं है, पालनहार योजना के अंदर 10,000 रुपए साल के मिलते हैं, बिगर भेदभाव के सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना, जो भी असहाय थे उनको सबको गैस के सिलेंडर फ्री में मिले, और अब देखो आप रजिस्ट्रेशन बना रहे 450 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा, बाकी के पैसे जो होंगे केंद्र सरकार उसके सीधे अकाउंट में जाएंगे। बिचौलियों को खत्म किया है मोदी जी ने, और सीधे धन धन योजना, किसान का सम्मान निधि, कब किसी ने मांगा था सम्मान, मगर मोदी जी को पता था, उनकी सोच थी, क्योंकि जमीन से टिके हुए थे कि मेरा किसान जो सर्दी में खड़ा होकर के रात को पानी भराता है खेतों के अंदर, देश को आत्मनिर्भर बना रहा है अन्न के अंदर, तो मैं उसका सम्मान करूं। जो सम्मान के तहत इन्होंने 6,000 रुपए